सो यहाँ मैं अपने सिम्फनी हाई कूल कूलर की सर्विस करने जा रहा हूँ, जो कि 4 साल पुराना है। इसकी कभी भी कभी सर्विस नहीं की गई है, ना मैंने की है, ना कभी बाहर से करवाई है कभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर अभी इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ गया है कि इसके पंप ने काम करना बंद कर दिया है। आज सुबह से ये पानी नहीं फेंक रहा था, तो अब मुझे लगता है कि अब सही टाइम है कि इसको खोल के इसका पंप तो रिप्लेस किया ही जाए, साथ ही इसकी साफ़ सफाई और बाकी सर्विस भी कर दी जाए। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। अब जब मैं इसकी सर्विस करने के लिए बैठा हूँ, इसको खोलना चाह रहा हूँ, तो मैंने देखा कि इसके 8 में से 5 स्क्रूज पूरी तरह से जाम है। इनमें बुरी तरह से जंक लग चुकी है, जिसकी वजह से ये खुली नहीं रहे। तो इसकी टिप, मैंने कोशिश तो बहुत करी इसको खोलने की, और उसके लिए मुझे सबसे ईजी ये लगा कि इन स्क्रूज को अगर काफ़ी देर के लिए ऑयल में रखा जाए तो शायद इन पर फ़र्क पड़ जाए। तो उसके लिए मैंने अपने कूलर को ज़मीन पर इस तरह से लटा दिया, और इसके जितने भी स्क्रूज जैम हैं उनमें मैंने सिलाई मशीन वाला ऑयल भर दिया, पूरी तरह से भर दिया। शायद 2 घंटे में इनके स्क्रूज कुछ ढीले पड़ जाएं, मुझे खोलने में आसानी हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। जो 5 स्क्रूज बुरी तरह से जाम थे उनमें से 3 तो खुल गए, मगर 2 अभी भी बुरी तरह से जाम थे। अब इनको कैसे खोला जाए? तो इसके लिए मैंने YouTube पर ही एक और वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन डाला कि जो जैम हो चुके हैं, जिनमें जंक लग गया है बुरी तरह से, उनको कैसे खोला जाए। तो उस वीडियो के ओनर ने मुझे सजेशन दिया कि इसको सोल्डरिंग आयरन से खोलो। सो ये भी अच्छी टिप है। मेरे पास करीब, मेरा जो सोल्डरिंग आयरन है अराउंड 20 साल पुराना है। सो सोल्डरिंग आयरन के पूरे हीट अप होने के बाद मैंने इस तरह से इसको उन्हीं पेंच के ऊपर लगाया जो बुरी तरह से जैम है। इन पे लगा के थोड़ी देर होल्ड करने के बाद इस बॉडी के जो 2 पार्ट हैं इनको बीच में मैंने जोर दे के जब खींचा, तो ये प्लास्टिक के नरम पड़ने की वजह से अच्छे से अलग हो गए। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको ज़्यादा देर तक सोल्डरिंग आयरन को वहाँ पर लगा के नहीं रखना है, अदरवाइज़ प्लास्टिक ज़्यादा गल गई तो ये स्क्रू दोबारा वहाँ पे लग ही नहीं पाएंगे, वहाँ पे होल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और स्क्रू आर पार होने लगेंगे। सो स्क्रू के खुल जाने के बाद कूलर को खोलना तो बहुत आसान है, ये आप और भी वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये है हालत मेरे कूलर की 4 साल बाद। देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। मैं देख सकता हूँ कि करीब 5-6 मिलीमीटर मोटी परत गंदगी की जमी हुई है। पंप की भी हालत ख़राब लग रही है, जिसको मैंने स्क्रू ड्राइवर से खोला है। इसके स्क्रू जैम नहीं थे, शायद ये वाटर प्रूफ होंगे या स्टील के होंगे, क्योंकि ये तो पूरे टाइम पानी के अंदर रहते हैं, उसके बाद भी आसानी से खुल गए। तो अब ये साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करता हूँ कायदे से। ये बैक पैनल है, बैक पैनल की भी सफाई मैंने सीधे शावर से ही की है, तेज प्रेशर है इस वजह से आसानी हो रही है मुझे सफाई करने में। और बैक पैनल को मैंने थोड़ा सा साबुन लगा के भी साफ़ किया है, मगर इसका जो पैड है ये काफ़ी सेंसिटिव है, इसको ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको पैड बदलना है तब तो ठीक है, अगर यही पैड यूज़ करना है तो इस पैड को बड़ी सफाई से, बड़े सावधानी के साथ सफाई करिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर इससे पड़ गया तो ये 2 या 3 पार्ट में टूट जाएगा। इसका टॉप चैम्बर जिसमें से पानी पास होता है वो भी काफ़ी गंदा है, तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे इजी है कि हार्पिक या उस तरह का कोई सैनी फ्रेश, हार्पिक या उस तरह के और भी कई सारे लिक्विड सोप्स आते हैं जिनमें एसिड होता है, उसको लगा के करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 20 मिनट से आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद एक टूथब्रश या किसी भी ब्रश से इसको कायदे से रगड़ के साफ करिए, तो देखिए कैसे चमक गया है, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। चलिए बैक पैनल को तो मैं असेंबल करके वापस अब सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ।
आइए पंप बदलते हैं। तो ये पुराना पंप है जिसके तार को मैंने खोला नहीं बल्कि काट दिया, क्योंकि हो सकता है कि नया पंप का तार छोटा हो तो मुझे तार अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा। और ये नया पंप है जो मैं मार्केट से लेके आया हूँ। पहले मैंने अमेज़ॉन पर सर्च किया था, अमेज़ॉन पे इन पंप्स की कीमत 220 से लेकर है। सो ठीक यही पंप जो है, जो सिम्फनी का लगा हुआ है, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता जो पंप मुझे अमेज़ॉन पर दिखा उसकी कॉस्ट 220 रुपये थी। तो मुझे लगा मार्केट में भी देखने में कोई बुराई नहीं है, मैं मार्केट चला गया। वहाँ मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो नया पंप है ये सिर्फ 100 रुपये का है। और हाँ, ये डिफरेंस ये है कि उसमें एक साल की वारंटी थी, इसमें एक सीज़न की वारंटी है। सो इस सीज़न के बाद ये पंप अगर ख़राब होता है तो मुझे फिर से नया ही लेना पड़ेगा, वारंटी में कवर नहीं होगा। सो आप भी सोचिएगा, मार्केट सर्वे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेज़ॉन पे ऑनलाइन अपनी डिलीवरी कॉस्ट वगैरह जोड़ के वो लोग ज़्यादा दाम लगाते हैं हर चीज़ का। ये देखिए, पुराने वाले पेंच हैं जिनमें ज़्यादातर जंक लगी हुई है, और ये मेरे पास कुछ पेंच रखे हुए थे जो स्टील के हैं। तो मुझे लगता है कूलर जैसी चीज़ में लोहे के पेंच इस्तेमाल होने ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो कंपनीज़ लोहे के पेंच क्यों लगाती हैं, जबकि ये तो एक नमी में रहने वाली चीज़ है, इसमें तो जंक लगना है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कुछ स्टील के पेंच हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा शायद लग जाएँ इस कूलर। तो मैंने कुछ पेंच तो लगा दिए और एक एक पेंच छोड़ दिया, क्योंकि अभी मुझे पंप की परफॉर्मेंस देखनी है। अगर पंप सही नहीं चल रहा है तो मुझे रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पंप कैसा काम कर रहा है। देखिए, कूलर को मैंने पूरा असेंबल कर दिया है वापस। पंप का फ्लो तो अच्छा है, तो मुझे पंप बदलने की ज़रूरत नहीं है, पंप अच्छा काम कर रहा है। चलिए, मेरा कूलर तो तैयार हो गया।